जा आवे टाइम ले लिया हाँ हाँ ले ठीक है ठीक तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का देसी ब्लॉग्स रांची में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और कॉल कर उसने बोला कि भाई तू तैयार हो जा, आज तेरे को कहीं और जाना है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं भाई, हमारे दोस्त आगे हमले के लिए मेरे से, और चलते हैं आगे आगे फ्रेंड्स, और दिखाते हैं आप लोगों को नजारा। तो फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और ये हमारा कॉलोनी और ये हमारे भाई। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे एक और दोस्त को हम लोग रिसीव करने के लिए उनके घर जा रहे हैं। तो ये एकदम खड़ा है। तो फ्रेंड्स, काफी देर से हम लोगों का फ्रेंड हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं हम लोग इनके पास में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा भाई, देख सकते हैं ये जो पीछे में है। तो फ्रेंड्स, क्या बोले, तो एक्चुअली फ्रेंड हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हमारे भाई ये अशोक तिर्की जो पीछे बैठे हुए हैं, इन्हीं का कुछ प्लान है जो हम लोगों को मालूम नहीं है, और इन्हें तो आप जान ही रहे हैं। चलिए आगे वीडियो बने रहिए और चलो देखते हैं क्या होता है आज। ऐसा सच्चे बतावे थी, सही में बतावे थी। अरे तू देख रहे ऊपर में लिखा लो, देखी तो देखी नहीं, देख ली तुम्हें है? ना यहाँ तो राय रोड सी बुढ़मू लिखा है। तो यही ना बुढ़मू है दोस्त, बुढ़मू तो आगे है ना। अरे पूरा ना हो यार, रास्ता तो पूरा बुढ़मू वाला। नहीं नहीं बात ना, दे विचार लगाओ। अरे चेंज ना खावे टाइम ले ली भी। अच्छा ना हो तो अब ना कह सकिए ना, का भैया ना टाइम ले लिया। हाँ ले ठीक है ठीक। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कुछ छोटे छोटे बच्चे सरस्वती पूजा का चंदा रोड पे ले रहे थे। यार काफी रिस्क होता है, इन लोगों को कैसे हम लोग समझा पाएंगे। पर अगर ऐसे मिल जाते हैं तो 10-20 दे देना चाहिए फ्रेंड्स। फिलहाल तो हम लोगों के पास कुछ नहीं था, और इससे पहले जो मिला था उसे फोन पे में मैंने मारा था, और अभी कैश नहीं है, आने टाइम में ऐसे दे दूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे, आगे ब्लॉक में बने रहिए। फाइनली गाइस, हम लोग तेल ले चुके हैं यहाँ पे ठाकुर गांव में रुककर एक पेट्रोल पंप में, और यहाँ का कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई, बैठा हुआ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं पिठोरिया पहुंच चुके हैं, पर अभी भी मेरे को पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इन लोगों ने कोई स्वीट्स वाला दुकान पे रुका हुआ है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ लेकर मुझे जा रहे हैं। और शायद फ्रेंड्स आगे चलकर मुझे पता चले और मैं आप लोगों को आगे लेकर वीडियो में दिखाता हूँ कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल ये लोग गाड़ी से उतरकर कोई स्वीट्स में गए हुए हैं कोई कुछ लेने के लिए, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। और पिठोरिया चौक में खड़ा हूँ, गाड़ी तो भाई लोग ने यहीं पे लगाया है, कोई चौक है और इस चौक को पिठोरिया चौक बोला जाता है। तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता है कि इसके आगे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ से पिठोरिया चौक से हम लोग निकल चुके हैं और भाई लोग ने इधर आगे के साइड में लिया है, पता नहीं कौन सा रोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसका नज़ारा। मांझी चौक लेते आया भाई लोग ने मुझे यहाँ पे, और मांझी चौक में लाकर खड़ा कर दिया है। और कोई, अरे इसका गर्लफ्रेंड है, किसका गर्लफ्रेंड है मुझे वो भी नहीं मालूम, और इन लोगों ने लेकर आ गया। आज मैं मरने वाला हूँ इन लोगों के साथ में। तो चलिए वीडियो में बने रही, इस साला बेवकूफ बनाकर मुझे यहाँ पर लेकर आया। भाई देखिए भैया को बोले लड़की से मिलने लाया, लड़की से समझ रहे ना, लड़की से मिलने लाया है। देर तो बताया ना, लड़की से मिलने लाया है। ये हम लोग का मेन हीरो यही है, और यही आज समझ रहे ना, समझ सकते ना। तो आने दीजिए फ्रेंड्स, मैं मिलवाता हूँ। बुलाओ बुलाओ, मुझे भी मिलना भाई, बुलाओ बुलाओ। हेलो, मैं तो आज मरने वाला हूँ। तो वहाँ से मिलकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, उन लोगों के साथ में फोटो वोटो का काम नहीं करना है, और हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा और मांझी पार्क की ओर। आप आए हुए हैं तो घूम ही लेते हैं थोड़ा और मांझी पार्क, और आप लोगों को दिखाते हैं और मांझी पार्क। चलिए चलते हैं और मांझी पार्क और मजा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे दोस्तों ने गाड़ी को रोक दिया है और मैं उतरने वाला हूँ यहाँ से और देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। आज तो मैं बहुत दिन के बाद आया हुआ हूँ तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फिर क्या है नज़ारा यहाँ का। चलिए फिर तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग वर्मांझी पार्क के सामने में खड़े हुए हैं और ये हमारे दोस्त तो फ्रेंड्स बगल में एक्वेरियम है और हम लोग सोच रहे हैं हम लोग सारे दोस्तों ने मिलकर एक डिसाइड किया है कि पहले मछली घर चला जाए क्योंकि यहाँ पे जू हाउस भी है मतलब जू घर भी है और बगल में एक्वेरियम भी है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सोचा कि पहले एक्वेरियम पहले घूम लिया जाए कुछ मछलियों का दर्शन कर लिया जाए। तो ये रहा फ्रेंड्स एक्वेरियम जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो फ्रेंड्स हो रहा है एक्वेरियम तो दिखाता हूँ मैं फ्रेंड्स आप लोगों को सारा कुछ। तो फ्रेंड्स हम लोग एक्वेरियम पहुँच चुके हैं आप लोग देख सकते हैं ये रहा एक्वेरियम का कुछ बोर्ड लगा हुआ है जो आप लोग ऐसे देख सकते हैं ये उल्टा नज़ारा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर की और अंदर का कुछ नज़ारा लेते हैं हम लोग। और तो फ्रेंड्स हमारे उदय भाई जो काफ़ी मजा ले रहे हैं इस जगह को और अंगूर अंगूर देख रहे हैं कुछ कुछ खा रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे की ओर और अशोक तो पता है लगे हुए हैं पता नहीं क्या करने के लिए। तो फ्रेंड्स आगे से कुछ बच्चे लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग टूरिस्ट के रूप में आते हैं घूमने के लिए और ये बच्चे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स ये लाइव का मेरा पहला ब्लॉग है यहाँ का और मैं इससे पहले कभी आया नहीं हूँ। और तो दोस्तों हम लोग एक्वेरियम टिकट घर के सामने में खड़ा हुए हैं और यहाँ पे टिकट भी आ चुका है जो हमारे उदय भाई ने ये टिकट ले लिया है और इन दोनों ने मिलकर टिकट ले लिया और मुझे तो भैया फिर में घुसना है। चलिए मैं आज पहली बार आया हूं और उदय भी बोल रहे हैं कि मैं पहली बार आया हूं और उनका तो पता नहीं। अच्छा वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी पहली बार आया हूं। तो फ्रेंड्स देख तीनों मतलब तीनों दोस्त हम लोग पहली बार आए हैं यहां घूमने के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पे ऐसा कुछ नज़ारा है और चलिए मैं फ्रेंड्स अंदर लेकर चलता हूँ आप लोगों को। तो फाइनली गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं अशोक और उदय ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये किस तरह का कोई मछली है। इस मछली को देखा जो मुझे तो लगता है ये मेरे घर साइड में कोई तेलपिया नाम का कोई मछली है वो वही लग रहा है कि कोई तेलपिया नाम का कोई मछली है तो भी रखा जाता है। तो फ्रेंड्स brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing, and I maintain.
mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Finally guys, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और काफी मजा आया अंदर में मछली देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं तो मुझे तो कुछ भी मालूम भी नहीं चला कि क्या क्या मछली अंदर में है, और मैं अपने फ्रेंड से भी पूछा यार कुछ भी। Water, so I'm going mainstream. बोलू और उदय भाई तो दूसरे चक्कर में पड़े दूसरा मछली के चक्कर में पड़े हुए। तो फ्रेंड्स कुछ देर हम लोग स्पेंड करते हैं यहाँ पे टाइम, और उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से कुछ चिड़ियाघर की ओर और चलते हैं फिर आगे। ब्लॉग में बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। मेरे फ्रेंड्स कुछ गाना गा रहा है, चीजें देखूँ तो मेरा प्यार आया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं कुछ आगे की ओर, और यहाँ यहाँ से निकलने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा देता हूँ। Flow like water, so I'm going mainstream. Just saying I'm the man, facts bro. Lot of haters, tell me where they at. तो फाइनली गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं, और इसके आगे हम लोग कुछ ब्लॉग करते हैं, और आगे का नज़ारा मैं वहीं से आप लोगों के बीच में चालू करता हूं फ्रेंड्स। तो चलते हैं आगे, ब्लॉग में बने रहिए। कुछ मेरे दोस्त वाशरूम के लिए आए हुए हैं, तो वाशरूम फ्रेंड्स इस साइड पे है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ जंगलों का बीच में वाशरूम बनाया गया है, और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा जगह है। अगर आप लोग भी आइए यहाँ पे कभी घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा जगह है और काफ़ी तरह के मछलियाँ यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स। तो मैं तो यही बोलूँगा, आइए फ्रेंड्स और घूमिए, मस्ती लीजिए, मजा लीजिए, और सब कुछ है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।